प्रकृति के सबसे उल्लेखनीय आश्चर्यों में से एक हाथी की हमारी आकर्षक खोज में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे हाथी विभिन्न कार्यों के लिए अपनी सूंड का उपयोग करते हैं। इस वीडियो में हम हाथी की सूंड की अविश्वसनीय अनुकूलनशीलता और बहुमुखी प्रतिभा के पीछे के रहस्यों को भी उजागर करेंगे। चकित होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम कुछ असाधारण तरीकों के बारे में जानेंगे जिनसे ये जेंटल जायंट्स विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए अपनी सूंड का उपयोग करते हैं। यदि आप भी हमारी तरह प्रकृति के चमत्कारों से मोहित हैं, तो वन्य जीवों के बारे में अधिक दिलचस्प रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाथी की सूंड विकास की सच्ची मिसाल है। यह न केवल नाक के रूप में काम करता है, बल्कि यह 1 लाख से अधिक मांसपेशियों के साथ एक लंबी भुजा के रूप में भी काम करता है। इतनी निपुणता के साथ हाथी सबसे छोटी वस्तुओं को भी उठा सकते हैं, पेड़ों से पत्तियां तोड़ सकते हैं और यहां तक कि बिना किसी नुकसान के नाजुक फूलों को भी पकड़ सकते हैं। उल्लेखनीय रूप से उनकी सूंडें अविश्वसनीय मात्रा में बल उत्पन्न करने में भी सक्षम हैं, जिससे वे छोटे पेड़ों को उखाड़ने और अपने रास्ते में आने वाली भारी बाधाओं को हटाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली बन जाती हैं। ये बहुमुखी उपांग हाथियों को उनके वातावरण में विभिन्न चुनौतियों के अनुकूल बनने के लिए सशक्त बनाता है, जिससे वे ग्रह पर सबसे अधिक साधन संपन्न प्राणियों में से एक बन जाते हैं। हाथी की सूंड 10 लीटर तक पानी स्टोर करने में सक्षम होती है। हाथी अपने पानी के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध है और उनकी सूंड उनकी प्यास बुझाने और ठंडा रहने में अपरिहार्य भूमिका निभाती है। 10 लीटर तक पानी रखने में सक्षम एक हाथी की सूंड एक पोर्टेबल पानी पंप के रूप में कार्य करती है। वे कुशलता से अपनी सूंड में पानी खींचते हैं और अपने विशाल शरीर को हाइड्रेट करते हैं। जब तापमान बढ़ता है तब हाथी अपनी सूंडों में पानी भरते हैं और फिर इसे ताजगी भरी बौछार की तरह अपने ऊपर छिड़कते हैं, जिससे चिलचिलाती धूप से बहुत राहत मिलती है। यह अनोखा अनुकूलन उन्हें शुष्क परिदृश्यों में पनपने की क्षमता प्रदान करता है और प्रकृति के अपने जल जादूगरों के रूप में उनकी स्थिति की पुष्टि करता है। सुसंवाद की कला। हाथी अत्यधिक सामाजिक प्राणी है और उनकी सूंड उनके झुंड के भीतर प्रभावी संचार के लिए महत्वपूर्ण साधन है। वे तुरही की आवाज और गड़गड़ाहट की एक प्रभावशाली श्रृंखला का उपयोग करते हैं जो मीलों तक गूंजती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी सूंडे भावनाओं और संदेशों को व्यक्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? जब हाथी एक दूसरे का अभिवादन करते हैं तो वे स्नेह और मित्रता के संकेत के रूप में अपनी सूंडों को आपस में मिलाते हैं। संकट या एक्साइटमेंट के समय में उनकी सूंडें स्पष्ट रूप से इधर उधर फड़फड़ाती हैं, जिससे उनकी भावनात्मक स्थिति झुंड के अन्य सदस्यों तक पहुंच जाती है। ये जटिल इशारे उनकी जटिल सामाजिक संरचना के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो परिवार के सदस्यों के बीच एकता और समझ को बढ़ावा देते हैं। हाथियों के पास गंध की असाधारण शक्ति होती है। हाथियों के पास असाधारण घ्राण शक्ति होती है और उनकी सूंड ढेर सारी गंध सूंघने में सहायक होती है। वे मीलों दूर से पानी का पता लगा सकते हैं, भूमिगत छिपे सबसे छोटे निशान को भी पहचान सकते हैं। गंध की यह गहरी समझ उन्हें पके फल और संभावित साथी ढूंढने और दूर से खतरे का पता लगाने में भी मदद करती है।
आश्चर्यजनक रूप से हाथी परिचित गंधों को भी पहचान सकते हैं और अपने झुंड के विभिन्न व्यक्तियों या पड़ोसी समूहों के लोगों के बीच अंतर कर सकते हैं। उनकी सूंड़ें गंध की दुनिया के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती हैं, जिससे उन्हें सर्वाइवल की तलाश में एक अद्वितीय लाभ मिलता है। हाथी की सूंड सिर्फ एक भौतिक उपकरण नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व का विस्तार है। जिस तरह हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शारीरिक भाषा और हाव भाव का उपयोग करते हैं, उसी तरह हाथी खुशी, जिज्ञासा, स्नेह और यहाँ तक कि दुख व्यक्त करने के लिए अपनी सूंड का उपयोग करते हैं। हर्षित होने पर उनकी सूंडें उठ सकती हैं और उत्सव में झूम सकती हैं, जबकि दुख के क्षणों में वे धीरे से एक दूसरे को छू सकते हैं और सांत्वना दे सकते हैं। इन अविश्वसनीय प्राणियों के पास गहरी भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है और उनकी सूंड एक कैनवास बन जाती है जिस पर वे भावनाओं के एक ज्वलंत स्पेक्ट्रम को चित्रित करते हैं, जिससे उनके साथी झुंड के सदस्यों के साथ गहरा संबंध विकसित होता है। क्या आप जानते हैं कि हाथी की सूंड वास्तव में प्रकृति की एक अद्वितीय कृति के रूप में मौजूद है? क्या आपको पता है हाथी की सूंड वास्तव में प्रकृति की एक अद्वितीय कृति के रूप में मौजूद है, जो उन्हें जीवित रहने, पनपने, संवाद करने और उल्लेखनीय सुंदरता के साथ जुड़ने में सक्षम बनाती है? यदि आपको हाथी की सूंड की दुनिया की यह यात्रा हमारी तरह ही मनोरम लगी है, तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन बेल बजाएं, ताकि आप हमारे चैनल से कोई भी अपडेट न चूके। और याद रखें, जानवरों के साम्राज्य के चमत्कारों को समझने और संजोने से हम अपने ग्रह के बेहतर बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हैं। आपको इनमें से कौन सा तथ्य इंटरेस्टिंग लगा या फिर हाथियों के बारे में कहने के लिए आपके पास कुछ है तो हमें कमेंट्स में बताएं। हाथियों की दुनिया के इस मनोरम साहसिक कार्य में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद, और हमेशा की तरह बेझिझक इस विस्मयकारी यात्रा को अपने दोस्तों और साथी प्रकृति प्रेमियों के साथ साझा करें। आइए मिलकर प्राकृतिक दुनिया के रहस्यों को उजागर करना जारी रखें और हमारे चारों ओर मौजूद सुंदरता और विविधता को अपनाएं। ऐसी दिलचस्प चीजों के बारे में और जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाना ना भूलें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें, जंगली बने रहें और प्रकृति के चमत्कारों को हम सभी को प्रेरित करते रहने दें।